Hello students, I am Rajnikant Singh, Maths Faculty for JEE Main and Advanced and you are watching this video on Rajnikant Academy. दोस्तों आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ ये 11th का एक टॉपिक जिसमें मैं थ्योरी बताऊँगा सबसे पहले और फिर उस पर कुछ क्वेश्चन कराऊँगा. मतलब ये पूरा लाइन बाय लाइन ये थ्योरी का पूरा लेक्चर होगा और इसमें मैं स्टार्ट करने वाला हूँ आज सबसे पहले सेट थ्योरी. ये क्लास 11th का टॉपिक है और ये काफ़ी फंडामेंटल टॉपिक है सेट थ्योरी 11th के लिए. और इसमें जेई मेन में एक क्वेश्चन पूछता है 4 मार्क्स का. ये एक क्वेश्चन जो पूछता है वो हर एक साल नहीं पूछता है, किसी किसी साल पूछता है, किसी किसी साल रिलेशन से पूछ देता है, किसी किसी साल सेट थ्योरी से पूछ देता है और कभी कभी नहीं भी पूछता है. ज़रूरी नहीं है बट पूछ सकता है. तो अगर पूछ दे तो अगर आप इसको परे होइएगा तो आप आसानी से 4 मार्क्स का क्वेश्चन मतलब काफ़ी आसानी से बना पाइएगा. और देखिएगा इसका जो भी क्वेश्चन होता है बहुत ही आसान होता है, तो इसलिए इसको क्लियर कर लेना बहुत ज़रूरी है. और दूसरी बात ये जो है ये फंडामेंटल का काम करेगा प्रोबेबिलिटी टॉपिक के लिए. जब आप प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे तो वहाँ उस टॉपिक में ये मतलब कि एज अ फंडामेंटल काम करेगा. इसमें जो हम लोग वेन डायग्राम पढ़ेंगे या और भी पढ़ेंगे, हम लोग नंबर ऑफ एलिमेंट्स पे जो प्रॉब्लम पढ़ेंगे या और भी मतलब यूनियन इंटरसेक्शन के बारे में जितना भी चीज़ पढ़ेंगे वो प्रोबेबिलिटी में एज ए फंडामेंटल काम करेगा. तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सेट थ्योरी. सबसे पहले डिफिनेशन से आते हैं. सेट, सेट पहले होता क्या तो बोला जाता है कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड सेट. मतलब वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स के कलेक्शन को बोलते हैं सेट. अब ये वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट समझने के लिए हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं. जैसे लिखा हुआ है कलेक्शन ऑफ वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स. तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में अगर वॉवल्स हम लें तो ये होगा मतलब कि एक फिक्स होगा, ए होगा, ई होगा, आई होगा, ओ होगा एंड यू होगा. ये सिर्फ 5 ही होगा और कुछ नहीं हो सकता. अगर हम बोलें कलेक्शन ऑफ वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट तो ये 5 के अलावा कोई ना इस पर डिस्कशन कर सकता है ना ही कोई अपना लॉजिक दे सकता है कि नहीं ये 5 नहीं, इस कारण से ये 6 भी हो सकता है या इससे कम हो सकता है. मतलब इस पर कोई भी रीज़न या कुछ भी नहीं दिया जा सकता है, ये 5 होगा तो होगा. तो ये जो है इसको बोलेंगे वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का कलेक्शन. ये जो है इसमें कोई भी लॉजिक या कुछ भी देकर इसको चेंज नहीं किया जा सकता है, तो इसको बोलेंगे वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का कलेक्शन. सेट को जनरली कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट से डिनोट करते हैं या कुछ भी हम लिखें. जैसे ए इक्वल टू हम लिख दें 157, ये 157 लिख दें, इसको बोलेंगे सेट. ये 157 3 एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसको बोलेंगे सेट. या हम लिख दें ऐसे ए इक्वल टू कुछ भी नेचुरल नंबर 1 से लेकर 5 तक 1 2 3 4 5, इसको बोलेंगे सेट. ये वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन है. ये मतलब लिखे नेचुरल नंबर लेस देन 6 मतलब 1 2 3 4 5, ये तो इसमें कोई भी लॉजिक देकर इसको घटाया या बढ़ाया नहीं जा सकता है. देखना दूसरा एग्जांपल हम देते हैं कलेक्शन ऑफ ऑल गर्ल्स इन योर क्लास. तो ये भी बोलेंगे ये सेट है कलेक्शन ऑफ ऑल गर्ल्स इन योर क्लास. ये वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे जितने भी गर्ल्स हैं आपके क्लास में उसका उसको लिस्ट कर सकते हो. मतलब कि मतलब उसमें एक भी कम नहीं हो सकता है, एक भी ज़्यादा नहीं हो सकता. मतलब पूरा रजिस्टर लो, रजिस्टर से गर्ल्स जितनी भी है उसका मतलब काउंटिंग कर सकते हो या उसका कलेक्शन बना सकते हो. तो ये हो जाएगा, ये भी वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स हैं. बट अगर हम बोलें कलेक्शन ऑफ ब्रिलियंट स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास, आपके क्लास के ब्रिलियंट स्टूडेंट्स का कलेक्शन, तो ये इसमें जैसे ही हम लिस्ट करने जाएंगे एक स्टूडेंट का नाम देंगे तो दूसरा बोलेगा कि नहीं मैं भी ब्रिलियंट हूँ, या दूसरे का नाम देंगे तो बोलेगा नहीं मैं ब्रिलियंट नहीं. तो ऐसे हो सकता है, मतलब कि बोला जा सकता है किसी बेसिस पे एक स्टूडेंट ब्रिलियंट हो सकता है, किसी दूसरे बेसिस पे काउंट करें या मान लो कि दूसरे टॉपिक में जैसे मैथ के टॉपिक में मैथ में एक दूसरा स्टूडेंट ब्रिलियंट हो सकता है तो फिजिक्स में कोई दूसरा हो सकता है. तो इस तरह से हम लोग ये नहीं बोलेंगे कि ये बोलेंगे कि ये वेल डिफाइंड नहीं है. ये जो कलेक्शन बनाएंगे तो इसमें लॉजिक देकर या कोई भी कारण देकर या डिस्कशन करके इसमें इसको बढ़ाया जा सकता है या कम किया जा सकता है. जैसे इसमें 5 स्टूडेंट को हम लिस्ट करें तो 5 स्टूडेंट्स को लिस्ट करने के लिए कोई भी यहाँ पर क्राइटेरिया नहीं गिवन है. मतलब कि
ऐसे ही बोल दिया गया ब्रिलियंट स्टूडेंट। सो कौन ब्रिलियंट स्टूडेंट है, किस बेसिस पे, किस क्राइटेरिया पे? हो सकता है कि कोई ब्रिलियंट हो फिजिक्स में, तो हो सकता है वो मैथ में नहीं हो या हिस्ट्री में नहीं हो। तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पे लिस्ट करेंगे तो वे वेल डिफाइंड नहीं होगा, तो बोलेंगे कलेक्शन ऑफ ऑल ब्रिलियंट स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास इज नॉट सेट, इसको सेट नहीं बोलेंगे, ये सेट होगा, ये सेट होगा। या हम देखें कलेक्शन ऑफ गुड गुड हिंदी मूवी, अगर हम गुड हिंदी मूवी का लिस्ट करें, गुड गुड हिंदी मूवी का लिस्ट बनाएं, तो मान लो हम दो चार मूवी या पांच मूवी का लिस्ट बनाते हैं, तो कोई बोलेगा नहीं हमको ये पसंद नहीं है, या कोई कुछ भी बोल सकता है, या बोलेगा कि नहीं ये ज़्यादा इससे इनकम नहीं हुआ था इस मूवी से, ये ज़्यादा मतलब इसका स्टोरी सही नहीं था, इस तरह करके इस तरह के लॉजिक देकर इसको कम किया जा सकता है या ज़्यादा किया जा सकता है। तो इसलिए ये भी वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन नहीं होता है, तो इसको भी बोलेंगे नॉट सेट, ये भी सेट नहीं है। कलेक्शन ऑफ गुड इन द मूवी इज नॉट सेट। बोलेंगे कलेक्शन ऑफ गुड क्रिकेट प्लेयर्स, ये भी सेट नहीं है, इसमें भी कोई क्राइटेरिया नहीं है कि कौन गुड गुड क्रिकेट प्लेयर्स है, कोई अच्छा भी हो सकता है, कोई किसी मैच में अच्छा खेल सकता है तो उसको अच्छा नहीं बोल सकते, हो सकता है कि वो दूसरे मैच में अच्छा नहीं खेल पाए, तो इसलिए ये भी वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन नहीं है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एक सिंबल है, इस सिंबल के बारे में, ये सिंबल को बोलते हैं बिलोंग्स टू या इज एन एलिमेंट ऑफ, और इसी सिंबल को लिख के ऐसे काट दें तो बोलेंगे नॉट बिलोंग्स टू, या बोलेंगे इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ। जैसे एग्जाम्पल, जैसे हम लिखते हैं कोई सेट है ए इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, अब देखना है इस सेट का एलिमेंट है, ये सब बोलेंगे, ये सब 1, 2, 3, 4, 5, ये सब को बोलते हैं सेट ए का एलिमेंट्स। अब ये सेट ए में 1 जो है, 1 इसका एक एलिमेंट है, तो बोलेंगे 1 बिलोंग्स टू सेट ए, मतलब 1 बिलोंग्स टू ए, मतलब 1 ए का एलिमेंट है। यहाँ पे इस सिंबल को बोला बोला जा रहा है बिलोंग्स टू, मतलब 1 बिलोंग्स टू ए, या इज एन एलिमेंट ऑफ बोलें तो 1 इज एन एलिमेंट ऑफ ए, मतलब 1 ए का एलिमेंट है। यहाँ पे बोल सकते हैं 2 इज एन एलिमेंट्स ऑफ ए, 3 बिलोंग्स टू ए, 4 बिलोंग्स टू ए, ऐसे हम लोग जितना भी इसमें एलिमेंट्स है उसके लिए ये सिंबल दे सकते हैं। अब जिसमें जैसे इसमें 0 नहीं है तो बोलेंगे 0 नॉट बिलोंग्स टू ए, 0 ए में नहीं है तो बोलेंगे 0 नॉट बिलोंग्स टू ए, या 0 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए, इसको बोलेंगे इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ, मतलब 0 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए, ठीक है। तो इसमें जो जो एलिमेंट नहीं है उसके लिए ये सिंबल देंगे, और जो जो इसमें सिंबल जो जो इसमें एलिमेंट्स है उसके लिए ये सिंबल देंगे। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और आएगा, बोलेगा कि ऐसे 1 एलिमेंट 1 बिलोंग्स टू ए, ये सही है कि नहीं, तो बोलेंगे ये बिल्कुल सही नहीं है, ये 1 बिलोंग्स टू ए ऐसे लिखना है, ये 1 बिलोंग्स टू ए, मतलब जो एलिमेंट हो, जो चीज़ हो यहाँ पे, वहीं बिलोंग्स टू ए लिखना है। 1 को ऐसे हम ब्रैकेट में लिख दें, इसको बोलेंगे सेट ऑफ ए, सेट ए, सेट ए इसमें नहीं है, तो सेट ए इसमें नहीं है तो ये बोलेंगे ये लिखना गलत है, मतलब सीधे ये लिखना 1 बिलोंग्स टू ए, इसके लिए ये सिंबल देंगे, ये नॉट बिलोंग्स टू। ये कब देंगे, ये इसके लिए बिलोंग्स टू कब देंगे, तो ये भी बता दो। जैसे ए इक्वल टू ऐसे हो, मान लो 1 हो, ऐसे हो, 2 हो, 3 हो, तो इस केस में बोलेंगे, ये इस केस में ये 2 सेट ऑफ 2 इसमें है तो बोलेंगे सेट ऑफ 2 बिलोंग्स टू ए, ये सही होगा। लेकिन 1 के लिए फिर से वही 1 बिलोंग्स टू ए, 1 यहाँ पे ऐसे ही है, सेट ऑफ 1 नहीं है, तो सेट ऑफ 1 बिलोंग्स टू ए अगर देते हैं तो ये हो जाएगा गलत, और यहाँ पे सेट ऑफ 2 है और सिर्फ देते हैं 2 बिलोंग्स टू ए, तो 2 इसमें नहीं है, इसमें खोज 2 है ही नहीं, सेट ऑफ 2 है, तो 2 बिलोंग्स टू ए भी इसके लिए गलत होगा, इस सेट के लिए सेट ऑफ 2 बिलोंग्स टू ए ही सही होगा सिर्फ। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो सबसे सेट को 2 वेज में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, सबसे पहला वेज होता है रोस्टर फॉर्म, या इसी को बोलते हैं टेबुलर फॉर्म, और दूसरा वेज होता है सेट बिल्डर फॉर्म। तो इस दोनों वेज में कैसे सेट को रिप्रेजेंट करते हैं सो हम लोग अभी देखेंगे।
देखे ना, रोस्टर फॉर्म में सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए सेट के सभी एलिमेंट्स को ब्रैकेट के अंदर में कॉमा से सेपरेट करके लिखते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसको बोलेंगे रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। तो इसको, इसमें सारे एलिमेंट्स को लिखना है ये इस ब्रैकेट में कोमा से सेपरेट करते हुए। और सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग सभी एलिमेंट्स को ना लिख के सभी एलिमेंट्स के लिए एक ऐसा प्रॉपर्टीज़ लिखते हैं जिस जो सभी एलिमेंट्स को असाइन करता है। जैसे मान लो ये सेट ए है, तो सेट बिल्डर फॉर्म में इसी सेट को ए को ही ऐसे लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे एक्स सच दैट, मतलब ए इक्वल टू एक्स, और एक्स के बारे में हम लोग लिख रहे हैं एक्स इज नेचुरल नंबर लेस देन 7। हम लोग ये लिख दें इस ब्रैकेट में ऐसे, एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर लेस देन 7। तो ये जो लाइन लिखा हुआ है एक्स इज नेचुरल नंबर लेस देन 7, बोले कि इससे क्या दिमाग में आता है? तो x इज नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर मतलब 1 to काउंटिंग नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, बट बोल रहा है लेस देन 7, 7 से छोटा। तो 7 से छोटा नेचुरल नंबर यही होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इसी चीज़ को हम लोग ये लिखे हैं, इसको बोलेंगे सेट बिल्डर फॉर्म, इसको बोलेंगे टेबुलर फॉर्म या कुछ और। जैसे कि मान लो लिखा जाए a इक्वल टू कुछ भी हम लिखें यहाँ पे, मान लो लिखें 1/2, 1/4, 1/6, 1/8, बस इतना है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू 1/2n लिख सकते हैं। यहाँ पे 1/2 है, 1/4 है, तो यहाँ पे अगर n का वैल्यू हम नेचुरल नंबर लिखते हैं, नेचुरल नंबर लेस देन 7, यहाँ पे x सच दैट x इक्वल टू 1/2n लिखे, और n के बारे में फिर लिख रहे हैं n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एंड ये भी लिख सकते हैं n लेस देन यहाँ पे 5, ऐसे भी हो जाएगा, और भी वेज हो सकता है, बट x इक्वल टू 1/n है और n के बारे में बोला जा रहा है नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर भी पूरा नहीं, 5 से छोटा, मतलब n इक्वल टू यहाँ पे 1, 2, 3 एंड 4 यूज होगा। तो 1n का वैल्यू यूज़ करेंगे तो x इक्वल टू 1/2 आएगा, 2 यूज़ करेंगे तो 1/4 आएगा जो कि ये है, एंड 3 यूज़ करने से 1/6 आएगा, एंड 4 यूज़ करने से 1/8 आएगा। मतलब ये जितना है इसके बदले में हम लोग इतना लिख सकते हैं, x इक्वल टू 1/2n एंड बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड लेस देन 5, ठीक है, ये लिख सकते हैं। या और भी एक दो एग्जांपल दे देते हैं, जैसे मान लो a इक्वल टू लिखा है, मान लो a इक्वल टू लिखा है 2, 5, 10, 17, 26। इसको ये है रोस्टर फॉर्म, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए हम लोग लिख सकते हैं a इक्वल टू x सच दैट x इक्वल टू, यहां पे देखना ये 1 के स्क्वायर का सम में से 1 ज़्यादा है, ये 2 के स्क्वायर से 1 ज़्यादा है, ये 3 के स्क्वायर से 1 ज़्यादा है, ये 4 के और ये 5 के स्क्वायर से 1 ज़्यादा है। तो ऐसा कर सकते हो x इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 1 एंड n के बारे में लिखेंगे n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n लेस देन 6 या ग्रेटर देन इक्वल टू 5 भी यहाँ पे लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है n नेचुरल नंबर है एंड n 6 से छोटा है, 6 से छोटा है, मतलब n इक्वल टू 1 to 5 पुट करना है। यहाँ पे 1 पुट करोगे तो आएगा 2, 2 पुट करोगे तो आ जाएगा 5, 3 पुट करने पे आएगा 10। तो ये जो चीज़ हम लिखे हैं ये इस ब्रैकेट में लिखे हैं, वही सेम चीज़ ये है। तो इसी को हम लोग ये इस फॉर्म को बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म और इसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। तो इस तरीके से हम लोग सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस पे क्वेश्चन इस टाइप से आएगा, इस पे ये फॉर्म दे देगा और बोलेगा इस फॉर्म में कन्वर्ट करने को, और ये फॉर्म दे देगा और बोलेगा इस फॉर्म में कन्वर्ट करने को। तो इस पे क्वेश्चन बनाना, और जो क्वेश्चन नहीं बने या कोई भी दिक्कत हो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, या ये वीडियो कैसा लगा, ये लेक्चर कैसा लगा वो पूछ सकते हो। वैसे ये काफ़ी बेसिक हो गया, ये मतलब कि बहुत बेसिक हो गया, काफ़ी स्लो हो गया, बट इसके बाद और थोड़ा फास्ट चलेंगे और आगे के पार्ट में हम लोग आगे देखेंगे टाइप्स ऑफ सेट और सेट में और भी चीज़। तब तक के लिए अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और मतलब इस चैनल पे डेली वीडियो देखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी क्लिक कर देना, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप तुरंत देख लें।
तो बेस्ट ऑफ लक।